अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि ईद का दूसरा दिन है और हम लोग अपनी फैमिली में आए हुए हैं और अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या खाने पीने में है। और आपको पता है यही 3-4 दिन होते हैं ईद के, जो लोग बड़े अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, और मैं भी आज आई हूँ तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि आज हम लोग अभी अंदर जाएंगे तो मेरे साथ माम जी भी हैं। मैं माम जी कैसी हैं आपको जी, मेरी भान जी बहुत प्यारी, बहुत मोटे मारने वाली, सारी फैमिली को हमेशा इन्होंने हमारे चपरात पर इकट्ठा किया। जी शिंदी बैठे, आज माशाल्लाह आपने दावत की है, बड़ा अच्छा लगा, और सारी फैमिली को आप हमेशा इकट्ठा करती हैं। जी आप बात कीजिएगा मेरी ऑडियंस के साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और खुशियाँ बांटें और खुश रहें और एक दूसरे को इसी तरह से ईद पे इकट्ठे रखें, फैमिली को साथ मिला के रखें और एक दूसरे से प्यार करें और दुआएं लें। जी और जी से आप सुनाए कैसा जिंदगानी गुजर रही है आपकी माशाल्लाह हाउस वाइफ होने से। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुजर रही है जिंदगी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी पुरसकून जिंदगी, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, शोबिज़ में होते हैं, तो आपकी लाइफ में एक अफरा तफरी होती है, आप हर वक्त बिजी होते हैं, सुबह का नहीं पता होता, शाम का नहीं पता होता, लेकिन शादी के बाद एक ठहराव आ जाता है लाइफ में। और आपको पता होता है कि जब आप बिल्कुल हाउसवाइफ बन जाते हैं तो शोबिस के बाद हाउसवाइफ बनना एक बिल्कुल ही डिफरेंट चेंज है और एक तो बिल्कुल लाइफ जो है बिल्कुल वो हो जाती है, चेंज हो जाती है बिल्कुल। और लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है और बहुत प्यार करने वाला खावंद है और बहुत प्यार करने वाला ससुराल है। तो अगर आपको अच्छा खावंद मिल जाता है और आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, आपका प्यार करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सारी ब्लेसिंग्स। दोस्तों ये थी हमारी प्यारी शीन और माशाल्लाह अपनी लाइफ से बहुत मुतमिन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शो बिज़नेस में उनको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए और अपनी सोशल घरेलू लाइफ जो है ना उसको बड़ा खूबसूरत कर लें। तो माशाल्लाह मैं ये समझती हूँ कि शीन बहुत खुश नसीब है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह सलामत रखे। बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ है और बहुत अच्छी है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि माम जी से भी कुछ करते हैं। सेकेंड डे है और हम हर साल ईद के सेकेंड डे जो है वो शीमा जी के घर पर आते हैं। शीमा जी पूरी फैमिली की स्पेशल दावत करती हैं, खुद बहुत मज़ा मज़े के खाने बनाती हैं और खुद बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं हर साल की तरह। और अल्लाह पाक उनको ऐसे ही खुश रखे और आप सब देखने वालों को भी ऐसे ही खुश रखे। और जितने मामा के चैनल पे सब लोग देख रहे हैं, आप सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके अलावा हमारी आज डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या होगा शीमा जी आज क्या मेन्यू? तो आप लोग देख ही लेंगे जब डाइनिंग टेबल पे आएगा तो वो होगा खाना है जाहिर है। और उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि हम लोग तंबोला में सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग तंबोला खेलेंगे और इन बच्चों को जितनी ईदियाँ मिली हैं वो सारी मैं जीत जाऊंगी। और इसके अलावा आगे वाली जो जो एक्टिविटी होगी वो हम आपको बता दिया जाएगा। और शीन जी आप अपनी खाला के बारे में कुछ कहें, दुर्दाना रहमान के बारे में। दुर्दाना रहमान जी के बारे में बस इतना ही कहूंगी कि वो एक लेजेंड है माशाल्लाह से, और जितना हम लोगों ने सीखा और जो एक्टिंग बचपन से उनको देख देख के हमें पता चलता था कि इनको देख के, इनकी फिल्में देख के हम लोगों के अंदर भी ये कीड़ा आ गया कि हम लोगों ने भी एक्टर बनना है। अगर ये एक्टर ना होती तो शायद मैं भी ना होती। अच्छा शीन जी आपको अपनी दुर्दाना रहमान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है और सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि बहुत मिलनसार है, इखलाक इनका बहुत अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो लाफ्टर है और जो मेरे अखलाक है फायदे नहीं पे गया, क्योंकि हमारी फैमिली के लाफ्टर जो है वो बहुत फेमस है, हम लोग हंसते बहुत ज़्यादा। तो ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। और बुरी बात मैंने कभी नोटिस नहीं की है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबके साथ बड़े प्यार से मिलती हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक एज ग्रुप के साथ ये मिक्स हो जाती हैं।
तो मैंने आज तक ऐसा कोई फील नहीं किया कि कोई ऐसी कोई बात हो जो कि मुझे इनमें से बुरी लगती हो। मुझे सारी चीज़ें इनकी अच्छी लगती हैं, इनके एक्सप्रेशन, इनकी बातें, इनके टिकटॉक, इनका बोलना, इनका हंसना, सब कुछ अच्छा। अच्छा शीन जी, आज माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। ऐसे लगता है जैसे आज फिर आप एक नए दिन की दुल्हन हैं। इतनी प्यारा ड्रेस माशाल्लाह, इतने प्यारे शूज, मेहंदी और चूड़ियाँ, बिल्कुल नई नई दुल्हन प्यारी लग रही हैं कि जैसे आज ही आपकी शादी है और हम मेरा ले शादी में शिरकत कर रहे हैं। जी मोहम्मद जी आया, चले ठीक है। थैंक यू शीन जी, थैंक यू। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे, खुश रहे।